गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 की थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। उसके पहले उसको समझेंगे। सब लोग अपनी बुक में पेज नंबर 145 ओपन करेंगे। आज हमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में पता करना है ना। तो देखो, डिस्टेंस तो हमें पता है कि दूरी है ना, जितना चलते हैं वो डिस्टेंस कहलाता है। टाइम, समय। और स्पीड, कितना तेज़ी से चलते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें स्पीड पता चल जाती है। और स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलो तो आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीज क्वेश्चन। ए चीता कैन गो 968 किलोमीटर इन 8 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ चीता, है ना। तो देखो कॉपी पे आ जा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो चीता। डिस्टेंस कितना है, 968 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है उसको, 8 आवर्स। तो ये हो गया स्पीड। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक हुआ, डिस्टेंस कितना था, 968 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ हम लोग डिवाइड करके दिखा देते हैं। 968 को 8 से, 8 बन जा 8, 1, 8 टू जा 16, ऊपर से 8, फिर 8 बन जा 8, यानी कितना हो गया, 121 किलोमीटर पर आवर। ऐसे लिखते हैं, है ना। तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, आंसर लिखेंगे स्पीड ऑफ चीता कितना है, 121 किलोमीटर पर आवर। हो गया, नोट कर लो इसको। अब देखो, नोट कर लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि अ ब्लैक बक कैन गो 320 किलोमीटर इन 4 आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लैक बक। कोई सेम क्वेश्चन है, ये स्पीड दिया है, ये टाइम, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस दिया है, ये टाइम दिया है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम करेंगे पता चल जाएगा। ए लॉयन रन्स 402.5 किलोमीटर इन 5 आवर्स, कैन यू फाइंड द स्पीड ऑफ द लाइन। वही स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड से, टाइम से डिवाइड करेंगे। अब देखो, एन ऑस्ट्रिच फ्लाइज 289.8 किलोमीटर इन 3 आवर्स। वॉट इज द स्पीड ऑफ ऑस्ट्रिच। तो जब चलो एक और मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी, अब ये डी मैं कर रहा हूँ, है ना। तो देखो डी, तो डिस्टेंस कितना दे रहा है वो, डिस्टेंस है उसका 289.8 किलोमीटर। और टाइम कितना ले रहा है वो, 3 आवर्स। ठीक, तो हम जानते हैं क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस 289.8 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ डिवाइड करके दिखा देते हैं हम लोग, है ना। 289.8 को 3 से डिवाइड किया, देखो 9 3 जा 27, 1 ये 9 6 9 3 जा 18, 1 ये पॉइंट यहाँ लगाया, फिर ये आया, फिर 6 3 जा 18। तो कितना आंसर हो गया, 96.6 किलोमीटर पर आवर। बेटा यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए ट्रेन रश एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 3 आवर्स। देखो अब यहाँ पर स्पीड दिया है और टाइम दिया है तो हमें डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अब यहाँ लिखो, यहाँ देखो, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना ले रही है ट्रेन, 3 आवर्स।
तो डिस्टेंस पूछ लिया तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, तो अब ये टाइम इधर आ जाएगा तो इसको लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो, ये डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो 80 इनटू 3 तो 240 किलोमीटर। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा किया, ई। देखो, अब यहाँ देखो द स्पीड ऑफ ए कार इतना, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय, सेम क्वेश्चन है, आगे वाले क्वेश्चन सेम है ना। तो ये आप लोग कंप्लीट करिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी पे करने हैं बेटा। ठीक, ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।